उत्तर कोरिया के तानाशाह को अमेरिका की दो टूक चेतावनी, बात नहीं मानी तो कर देंगे नाश। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच धमकियों के जरिए शह और मात का खेल लगातार जारी है। एक ओर जहां अमेरिका अपनी चेतावनी के जरिए उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिकी धमकियों का जवाब उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग हाइड्रोजन बम और मिसाइल परीक्षणों से दे रहा है। हालांकि अमेरिका ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया पर दबाव बनाते हुए दो टूक चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया को चेताते हुए अमेरिका ने कहा है कि अगर उसने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को बंद नहीं किया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेले ने एक बार फिर से उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खतरा पैदा करता है तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। इसके अलावा पिछले 10 दिनों के भीतर उसने जापान के ऊपर से दो मिसाइलों का परीक्षण भी किया था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन उत्तर कोरिया पर उन प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ और उसने अमेरिका को राख में तब्दील करने और भयानक दर्द पहुँचाने की धमकी दे डाली। अमेरिका को चेतावनी देते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने कहा कि सैन्य ताकत के लिहाज से वो करीब करीब अमेरिका के बराबर पहुंच गया है, ऐसे में वो उत्तर कोरिया को आंख दिखाने की कोशिश ना करे। इतना ही नहीं, उसने न सिर्फ जापान के द्वीपों को डुबाकर उसे छोटा करने की धमकी दी बल्कि साउथ कोरिया को भी अमेरिकी पालतू करार दिया है। साथ ही उसने ये भी कहा कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद वो अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बंद नहीं करेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की इस चेतावनी का जवाब उत्तर कोरिया कैसे देता है। इंडिया न्यूज़ वारिल की रिपोर्ट।